13 in 1 additional solar robot kit का। तो गाइस बिना देरी करते हुए जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। जब तक हम इसे अनबॉक्स करते हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो। हां हां फटाफट से शुरू करते हैं। चलो खोलते हैं। ये सारी चीजें गाइस हमने सब कुछ निकाल लिया है। जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं हम पहले इनको निकाल लेते हैं। ये वाले निकाल लेते हैं। और गाइस आप लोगों को ये चीज संभाल के करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सॉलिड प्लास्टिक नहीं है। देख सकते हैं अगर जरा सा भी ऐसे जोर से डालेंगे टूट जाएगा। तो गाइस हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस बनाने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन कार्ड देखने होंगे। सोलर पैनल वाला हेड बनाना होगा और उसी के बाद ही हम ऑटोबॉट का पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस पहले हम गियर बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस गियर बॉक्स के लिए जो पार्ट चाहिए पहले उनको निकाल लेते हैं फटाफट से। आप इसमें फर्स्ट पेज में जाइएगा तो नंबर पेज नंबर 4 में वहाँ पे गियर बॉक्स बन। गाइस जैसे कि आनंद ने पहले भी बता चुके हैं कि इस प्लास्टिक को बहुत ही केयरफुली काटना होता है। गाइस तो यहाँ पे दो है, ये उसका आगे में लगेगा ये पहले लगेगा, इससे ही हम लोग का गियर बनेगा। गाइस एक्चुअली मैं आपको बात बता देता हूँ गियर बॉक्स में बहुत सारे गियर्स चाहिए आपको। तो गाइस पहले मैं गियर्स निकाल लेता हूँ। गाइस आप लोग इसको काटने के लिए बड़े की हेल्प लीजिएगा। यस गाइस आपको बोलूं ये जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं इनको इनके शीट से काटने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म टूल चाहिए है जो कि है डायगोनल कटर। पर इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट पेज में आपको वो देखने को मिल जाएगा उसका पिक्चर। पर ये है डायगोनल कटर, इसी से आपको काटना होता है या फिर आप नॉर्मल कैंची का भी यूज कर सकते हैं। ये है रहे सारे गियर्स और ये रहा सोलर पैनल। इसको बाद में सोलर पैनल का हम लोग और सब बाद में रखते हैं। और एक वायर लिया जो ऐसा वाला होगा उसमें हम लोग इसको डाल देंगे कुछ इस तरीके से। पहले तार लगाने के पहले ये गियर लगाना पड़ेगा फिर तार लगाएंगे। ठीक है गाइस तो C4 हर नंबर पे हर चीज पे जैसे ये E है ये कौन सा है गाइस सारे शीट्स पे ABC जैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर B ये वाला B वाला नंबर शीट है ये A है ना। हाँ ये A है, ये A है और ये C है। हमको सी नंबर से C4 ये चाहिए हर जगह पे 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप में आपको हाथ से काटना है तो हाथ से भी काट सकते हैं पर थोड़ा ध्यान से काटना पड़ेगा। देखिए गाइस ये निकल गया। फिर हम लोग को ये रेड गियर चाहिए। रेड गियर लेके हम लोग को ये बड़ा वाला जो है उसको अंदर डाल देना है ऐसे। फिर हम लोग को ऐसे इधर इसको रख देना है। फिर वायर इसको इधर रख के कनेक्ट कर देना है। तो ये दोनों वायर है इन दोनों को ये जो वाइट है उधर से ले जाना है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे लेवल दो लेवल है 1 और 2 हम लोग बनाने वाले टू लेवल का। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कौन से रोबोट लेवल 1 और 2 के हैं। गाइस देखिए ये जो पहले हम लोग ये वॉकर बोट जो है ना वो लेवल 1 का है। ये भी लेवल 1 का है। ये भी लेवल 1 का है। ये और ये लेवल 2 का है। ये भी लेवल 2 का है। ये लेवल 1 का है। ये भी लेवल 2 का है और ये भी लेवल 2 का ही है। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे इसको लगा दिया। और गाइस अभी हम लोग को चाहिए ये स्टील जैसा आपको मिलता है उसमें इसको PA कहते हैं। गाइस हम लोग इसको इधर डाल देंगे छोटे सोल में। गाइस अभी हम लोग को चाहिए ग्रीन वाला। ये रहा ग्रीन वाला गियर। हम लोग इसमें डाल देंगे। इसको एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा जैसे ये घूमेगा वो भी घूमेगा। फिर हम लोग ये वाला गियर चाहिए व्हाइट वाला। हम लोग इसको इधर डाल देंगे। सॉरी इधर डाल देंगे। हम लोगों ने इधर डाल दिया इसको। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देख सकते हैं गाइस इधर हम लोग का बॉक्स ऐसा बन चुका है ऐसा। फिर हम लोग डालेंगे C5।
सी नंबर से, सी नंबर से इसका फाइव नंबर वाला निकालना है। अब ये मैंने इसको निकाल चुका है। तो गाइस हम लोग ने इसको निकाल लिया है। हम लोग अभी व्हाइट वाला गियर के ऊपर डाल देंगे। ये लग चुका है। फिर हम लोग को चाहिए B6। B6 इस वाले में है, सिक्स नंबर, नहीं नहीं नहीं, और B6 गाइस हम लोग को ये चाहिए। हम लोग ने ये निकाल लिया है। अब हम लोग इसको इधर इसके ऊपर डाल लेंगे। गाइस ये हो चुका है। फिर हम लोग को जो हम लोग ये काटे थे दूसरा वाला उसको उस पर लगाना है। बड़े ध्यान से लगाना है आपको। जो ये ब्लैक होल है उसको इस बड़े होल में डालना है। जी हाँ गाइस। और जिस साइड ऐसा है उसी साइड वो घुसेगा। ये लग चुका है। ऐसे रख लेंगे हम लोग इसको। हो चुका है। हम लोग को अभी डी में से डी नंबर में से 1 और 2 निकालना है। हम लोग इसको काट लेते हैं। जब आप करते हो तब आपको पूरा ध्यान से करना पड़ेगा, वरना आपका पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये गलती से भी कोई टूटा तो प्रोजेक्ट ठीक से बनेगा नहीं, चलेगा नहीं, और आपकी सारी मेहनत पानी में जाएगी। गाइस छोटी छोटी चीजें अगर थोड़ी सी टूट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अगर इस टाइप की चीजें टूट जाती है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, भैया ने ये दोनों निकाल लिए हैं। अब इनको हम जोड़ देते हैं। जो ये है वो इस साइड में। गाइस हम लोग को इसको इस साइड लगाना है और दूसरे को दूसरी साइड में लगाना है। इस वायर को बाहर निकाल के रखिएगा, ये लास्ट में आपको हेड लगाने में काम आएगा। इसी से हेड और गियर बॉक्स से कनेक्ट होगा तभी चल पाएगा। यस सर। तो गाइस ये हम लोग का बन चुका है। सो गाइस इसको हम लोग को वायर को ऊपर से निकालना है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, पर हम लोगों ने अच्छे से जोड़ दिया तो ये निकालेंगे तो टूट जाएगा। ऐसे भी करेंगे नो प्रॉब्लम, ऊपर से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस गाइस, अभी हम लोग इसका हेड बनाएंगे। जी हाँ गाइस, उसके लिए हमें हमारे मेन पार्ट है ये सोलर पैनल। गाइस इसकी जो प्लास्टिक है अभी मत निकालिएगा, जब आप सोलर रोबोट को चलाओगे तब इसको निकालिएगा। जब आप इसका हेड बना लेंगे ना तब निकालिएगा। यस गाइस, गलती से बोल दिया था। अगर बिना हेड के ये प्लास्टिक निकल गया तो इसका पावर ऑन हो जाएगा। इसीलिए गाइस पहले हेड बना के इसका पन्नी निकालिएगा। अभी हम गाइस अभी हम लोग को चाहिए ये वाला पार्ट A4, जो कि है ये हेड का मेन पार्ट है जिस पर सोलर पैनल लगेगा। दो को निकाल लेंगे ना तब हाथ से कीजिएगा। ठीक है गाइस, देखिए निकल गया। तो गाइस अभी हम लोग को इस पे स्टिकर लगाना होगा। अरे अनन अभी नहीं, वो बाद में लगाना होगा। बाद में भी लगा सकते हैं, बाद में भी, अभी भी हम लोग अभी लगा दें। ठीक है, वो स्टिकर में से ये वाले स्टिकर आपको लगाना है, ये वाले जो इसके शेप में है। हम लोगों ने इसे निकाल लिया, अभी हम लोग इसके साइड में लग। गाइस देख सकते हैं ये जो स्टिकर यहाँ पर है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्टिकर लगाना है। हमने ये वो लगा लिया, अभी हम लोग दूसरा लगाएंगे। गाइस हम लोग फटाफट से लगाते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो चीजें आप देख रहे हो ये एक्चुअली इस तरह के पैकेट्स हैं जिसमें आप चीजें स्टोर करके रख सकते हो। अगर मानो कि आपने आज आधा किया कल आधा किया तो गाइस आधा पार्ट में जो आपने बनाया है इसमें आप स्टोर करके रख सकते हो, और बाकी चीजें जो आपने निकाली है वो भी इसमें स्टोर करके रख सकते हो। इसलिए बहुत अच्छी चीज है पैकेजिंग के लिए। और गाइस अगर आपको कुछ फालतू भी चीज हो जिसे अगर आप लोग को नहीं निकालना है वो निकालिए, उसमें रखिए, टूट गया उसमें रखिए। पर बहुत छोटा छोटा पार्ट भी जैसे इसका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूट गया तो नहीं हो पाएगा। गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं अगर गलती से भी टूट गए भले ही वो छोटे हो पर नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। गाइस हम लोगों ने इधर दोनों साइड स्टिकर लगा दिए। यस गाइस, अब अभी हम लोग इसका पहले वो आठ मिनट व्हाट्स द फोन
इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग को C3 चाहिए। गाइज हम लोग इसको काट लेंगे। गाइज ये हेड के ऊपर लगेगा और इसी पर ये आईज जो आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस जैसी चीजें, इसी पर आईज लगेंगे इसके और उन पर स्टिकर्स लगेंगे। हम लोग पहले स्टिकर लगा के आईज लगाएंगे क्योंकि बाद में स्टिकर लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइज अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके आईज कौन से हैं। गाइज ये वाले जो पार्ट छोटे छोटे आप देख रहे हो काले कलर के, यही है इसके आईज। इस पर हम कुछ स्टिकर्स लगाएंगे जैसे कि ये और कहाँ गया और ये वाले, जैसे कि ये पूरे लेंस जैसे दिखे। ओके गाइज पर प्लास्टिक मैंने सोचा सच्ची के लेंस हो गए कांच के, बट दैट्स नॉट, जैसे कि पिक्चर में दिया गया आप भी सोचोगे कोई लेंस है, बट सिर्फ स्टिकर्स और स्टिकर्स लगा रखे हैं प्लास्टिक के ऊपर। तो गाइज हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो गाइज हम लोग इसको अपोजिट करेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे। तो गन्ने में लगा देता हूँ, ऐसे था क्या? नहीं नहीं वैसे नहीं, ऐसे था ऐसे था। हमने ये लगा लिया, एक मिनट अच्छे से लगाना पड़ेगा। गाइज जो ये है वो इसके इधर आएगा, मतलब जैसे क्रॉस जॉइंट होता है ना वैसे। फिर इसके ऊपर एक बात है, डबल साइड टेप है ना, उसको लगाना है। इसमें दो गो आते हैं, ये दूसरा होगा। हाँ गाइस ये डबल टेप पर हमें ये सोलर पैनल चिपकाना होगा। गाइस अभी दोनों डबल टेप लग चुके हैं, ठीक है ना? ठीक है। और अभी हम लोग इसको जॉइंट कर देंगे और उसके ऊपर, अरे अभी नहीं पहले सोलर पैनल लगा के करते हैं। अभी नहीं सोलर पैनल नहीं, अभी हम लोग आइस लगा देंगे। आइस मैं लगा देता हूँ। इसके आइस है ना बहुत छोटे छोटे, गाइस पर लगाना तो पड़ेगा ही ना। गाइस मैं इस पर स्टिकर लगा रहा हूँ। हाँ ये आइस लेंस वाला, लेंस वाला। फिर एक और आता है ये वाला। गाइस मैं दूसरे में स्टिकर लगा देता हूँ। आपको लग रहा है कि ये लंबा है, लंबा होगा, पर इसको आपको ऐसे करके चिपका देना है। गाइस ये भी चिपक गए हैं, इसमें वो सोलर रोबोट का साइड वाला लगा देता हूँ। गाइस तब तक मैं इसमें एक डाल देता हूँ। एक लग चुका है गाइस, अजीब लग रहा है ना बिना ही काट के, ऐसे जॉम्बी नहीं, अभी दूसरा वाला बना रहा हूँ, पर बिना एक काट के एकदम जॉम्बी जैसा लगता है। लगा दिया, अभी हम लोग इसमें वो ऊपर वाला पार्ट लगाएंगे। बस ऊपर वाला पार्ट लगाने में शायद आपको दिक्कत होगी। कल अभी जैसे ये लग जाएगा, हम लोग को इसको ऊपर सोलर पैनल लगा देना, निकालने लगाने से पहले इसका सोलर पैनल। इसको हम लोग को इधर घुसा के ऐसे लगाना होगा। उसके बाद हमें ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे लगा देना है, बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा। हम लोग अभी बी नंबर का ये 10 नंबर और 11 नंबर काटेंगे। गाइस ये जो छोटा पीस है ये 10 वाला है, 11 वाला, हाँ हाँ, और उसे ये इसमें से ये माइनस वाला है यहाँ पर लगा देना है। अरे यार कहाँ पर लगाना था, यहाँ पर। इस बहुत सावधानी से लगाना पड़ेगा, काटना भी बहुत मुश्किल है। गाइस पहले हम लोग इधर पॉजिटिव लगा देंगे, इसको आप सीधा कीजिए। गाइस हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव लगा चुका है, अब हम लोग इसका कौन सा नंबर A3 लेंगे। गाइस उसको आप साइड में लगा दीजिएगा और उस पर कुछ स्टिकर्स भी चिपकेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले पहले आप स्टिकर लगा लीजिएगा, नहीं पहले लगा के फिर भी स्टिकर लगा सकते हैं क्योंकि वो बाहर ही रहेगा, बाहर ही स्टिकर लगाना है। तो मैं लगा देता हूँ स्टिकर, तुम लगा देता, ठीक है? हाँ ये वाला है, ये लो स्टिकर, इधर से लगा दो। दूसरा वाला मैं देता हूँ। हम लोग ने दोनों स्टिकर लगा लिया, अभी हम लोग इसके इस साइड में
ये वाले से इनको लगा देंगे कुछ इस तरीके से, लिख के साउंडर गाइस लग चुका है, और दूसरा वाला भी लगा लेते हैं। ये भी गाइस लग चुका है, ये देखिए हेड हम लोग का कंप्लीट है, देख सकते हैं ये दोनों कंप्लीट है। अभी हम लोग इसका बनाने में जाते हैं, मतलब अभी ऑटोबोट का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। गियर और हेड बना देने ना, कोई भी इन तीनों में से कोई भी रोबोट आप बना सकते हो, ये दो मेन चीजें, बाकी तो आप चेंज ही कर सकते हो। गाइस हमने जो मेन पार्ट्स है जो कि है ये गियर बॉक्स और ये जो हेड वाला पार्ट है ये बना लिया है, और आपको ये कोई भी रोबोट बनाना है तो मेन चीजें हैं ये दोनों, बाकी सब आप तो कभी भी चेंज कर सकते हो ना। पहले आपको ये दोनों बना के रखने पड़ेंगे जो कि हमने बना लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल बिल्डिंग आवर रोबोट, नो ऑटोबोट कहते हैं। तो गाइस इसके लिए हम लोग को सीट टू चाहिए, C2, इसको हमें पहले निकालना पड़ेगा, पहले आपको सारे पार्ट्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद असेंबल करना होगा। इसके बाद गाइस हम लोग को चाहिए E1, गाइस ये सारी जो सीट्स हैं इन पर लेटर्स लिखे हुए हैं जैसे कि आपको पार्ट्स फाइंड करने में आसानी हो, EBCDE, और इसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं ताकि फाइंडिंग पार्ट्स आर इजी, वरना इतने सारे पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए टू मेक इट इजी ये नंबर्स दिए हुए हैं। गाइस हम लोग को E1 का दो गो चाहिए, सारे रोबोट्स का असेंबली में है, ये देखो सारे पार्ट E4 A2 बहुत सारे एक्चुअली, फिर B8 अरे ये सॉलिड प्लास्टिक है पर ज्यादा दबाव में तो टूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली काटना पड़ेगा। अगर आपके पास बैंगनोर कटर है तो इजी, पर यही आपको चाहिए था, बट हम कैंची का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास होता है। सो गाइस हम लोग इसको भी असेंबल करते हैं, इसको हम लोग को इधर इधर, फिर हम लोग को ये चाहिए B8, जो हमने ये किया है उससे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो बड़ा बड़ा कैप है उसको इसमें लगा देना है, फिर हम लोग को इसको उसके अंदर डालना, फिर जो ये है वो इधर आ जाएगा। गाइस तो ये हो चुका है, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसके दूसरे स्टेप के लिए हम लोग को E7 फिर C2 चाहिए, तो हम लोग इसको काट लेते हैं। फैक्ट बता देता हूँ, अगर आपको हम जो रोबोट बना रहे हैं लेवल 2 का है, हमें पता है, अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि पता लगाने में कि ये रोबोट लेवल 1 का है और दूसरा लेवल 2 का है, तो गाइस आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पर सारे रोबोट्स के इमेजेस दिए गए हैं और साथ ही साथ इधर लिखा हुआ है कि कौन से रोबोट्स कौन से लेवल्स को बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि टर्टल बॉट, बीटल बॉट, पॉडरू बॉट, बोट बॉट, वॉकर बॉट एंड डॉग बॉट, ये सब लेवल 1 के हैं और बाकी सब जो है वो लेवल 2 को बिलोंग करेंगे। सो गाइस ये हम लोग काट लिया है, तब हम लोग पहले इसको हम इसमें डाल देंगे, फिर हम लोग को C2 इधर, गाइस ये हो चुका है, हम लोग अब इसके तीसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। यस ये ऑटोबॉट की सबसे मेन पार्ट इसी में इसी और ई में मिलेगा। हाँ और ये ऑटोबॉट की जो कर पार्ट दिख रहे हैं ना ये ब्लैक कलर के, वो इसी में है। हाँ ये वाले इसी में है गाइस, कुछ स्टिकर्स भी चिपकाने पड़ते हैं जो कि हमारे पास है, कहाँ गया, अरे बोल ये जो क्वाडर बॉट के कर पार्ट दिख रहे हो और टर्टल बॉट के ये वाले इन सब में ये वाला स्टिकर्स लगता है, ये वाला कर पार्ट। सो गाइस देख लिया हम लोग ने इसको काट के रख दिया, फिर हम जो E1 है उसको हम फिर से वैसे ही लगाएंगे, ऐसे हम लोग बार बार करते आ रहे हैं इस तरीके से, इसी का दूसरा मॉडल बनाने वाले हैं हम लोग। तो गाइस देखो ये जो हम लोग जो बार बार ही रोबोट्स बनाते हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है,
खाली आपको थोड़ा केयरफुली जो टाइट्स है ना उसको आप किसी बड़े बड़े की हेल्प से निकालिए निकालिए, वरना वो थोड़ा सा अगल बगल होने से अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ उसमें पूरा आपका जो बनाने होंगे सब खत्म। हाँ, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज है। तो गाइस हम जो ये ऑटो वोट बना रहे हैं उसमें जो स्टिकर्स लगेंगे आप या तो आप पहले लगा सकते हो या फिर बाद में भी लगा सकते हो। वैसे तो गाइस हम लोग बाद इसको बनाने के बाद लगाएंगे क्योंकि पहले लगाने से थोड़ा सा होता है ना। तो गाइस देखिए ये बन चुका है, अब हम लोग इसका चौथा पार्ट बनाएंगे। गाइस इसमें टोटल 7.3 हम लोग ने इसको काट लिया। पहले हम लोग को फिर से E1, उसके बाद B8, उसके बाद फिर से E1। गाइस हम लोग को फोर्थ वाला भी हो गया, इसको रखते साइड में, बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। तो गाइस हम लोग ने इसका फिफ्थ पार्ट का भी काट लिया है। अब इनको हमको एक टेक्निक से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो गाइस पहले हम लोग लेंगे B3 दो गो, इसको ऐसे करेंगे, ऊपर वाले होल में आपको ज्वाइन करना है बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ध्यान से करने की चीज है। हम लोग ने इसको लगा दिया गाइस, पर ये तो लगी नहीं, गाइस ये हो चुका है। फिर हम लोग को ये लेना है, इसको इधर लगाना है। सिमिलर वाला हमें बनाना होगा फिर से, एक्चुअली ये जॉइंट है ठीक है, इसीलिए दोनों बना लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। इंजन बनने वाला है इसके लिए पहले हम लोग को ये डलेगा और ये बाकी जो हमने गियर बनाया है ये भी डलेगा। E3 वो इसके नीचे और इधर लगेगा। फिर हम लोग को जो हम लोग ने ये सब पहले ये सब जो बनाया है गियर्स में इनको इसके अंदर टेक्निकली डालना पड़ेगा, जो जो होल्स हैं उनमें से आपको देख देख के डालना पड़ेगा, किसी में भी नहीं डाल सकते। गाइस बहुत सावधानी से, अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपका ऑटोबोट चलने से ना। अरे गाइस हम लोग ऑटोबोट बना रहे हैं, आप चेंज भी तो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ठीक है। गाइस हम लोग को नंबर 1 का दो वो बनाना है, तो हम लोग ने बना लिया, फिर हम लोग इसमें लगा देंगे। अरे नहीं नहीं, एक नंबर 1 दो, वो वाला दो। तो गाइस इसका हम लोगों को दो बनाना है, जो कि हमने ऑलरेडी बनाकर रखा है वो है। तो गाइस अभी फटाफट से हम इसका इंजन बनाते हैं। तो गाइस गाइस ये बन चुका है, तब हम लोग अब इसका ये बन चुका है। गाइस ये वाला पार्ट हमें मैंने बनाया है। तो गाइस अब हम लोग इस पे इसका सोलर जहाँ पे लगेगा उसका हेड लगेगा, हेड लगेगा। और उसके लिए हम लोग E6 चाहिए, 4 चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग ये काटती है, अब हम इसके लगाइस ये है इनके इनके अंदर लगाएंगे, और ये जो पार्ट्स यहाँ पर आप खाली देख रहे हो इन पर हम लगाएंगे। हाँ ऐसे ही ना। तो गाइस गियर बॉक्स फिट करने के बाद हम इसके ऊपर एक सर लगाएंगे, और उसका जो कनेक्टर है वो तो हाँ बी में नहीं सी में। ओके तो ये हो चुका है, ये लगा दिया है। अब इसके ऊपर अभी व्हील्स लगाएंगे, ये लगाएंगे ये। पहले अभी ये नहीं, पहले व्हील्स, फिर इधर देख सकते हैं लास्ट में हेड लगेगा, लास्ट में फिर मैं व्हील्स निकाल देता हूं। हम लोग ने लगा दिया। तो गाइस अब हम लोग इसका व्हील हम लोग को चाहिए A2। तो गाइस हम लोग इसका चारों काट लेते हैं, इसको मैं काट लेता हूं। गाइस देख सकते हैं हम लोग ने ये काट दिया, अब इसके ऊपर हम लोग टायर लगा दिया। हां गाइस देख सकते हैं हम लोग ने टायर लगा दिया। गाइस अब हम लोग इसके यहां पे लगाएंगे। लगाने के लिए अंदर हम लोग को E11 चाहिए। तो गाइस हम लोग इसको काटते हैं, देख सकते हैं हम लोग ने काटी है। गाइस ये फिर वो इधर लगेगा,
इसको इधर फिट कर देंगे। बिल से इन E11 की मदद से हम पॉजिटिव करना होगा, भूल गया है गाइस। आगे वाला वाला भी लगाना पड़ेगा, एक बार हमने चेक किया था अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, अगर ये सनलाइट में चला तो गाइस मैं सबको पार्टी दूंगा और अपने हाथ से बेसन के लड्डू बना के खिलाऊंगा सबको। देख सकते हैं ये चल रहा है, ये चल रहा है। फिर गाइस हम लोग इसको हेड हो गया तब तो गया सब। हाँ हाँ, पानी में सब गया पानी में। तो गाइस हमको हेड के कनेक्शन के लिए ये क्या है, तो गाइस हमें ये क्या, अरे ये C9 चाहिए। तो गाइस हमें ये पार्ट चाहिए हेड के कनेक्शन के लिए, A5 और 6। हाँ तो गाइस हमको हाँ इसे जोड़ लो, जो ये है वो ऐसे इधर आएगा और ये देखो गाइस फिर ये ऐसे देखिए गाइस ये हो चुका है। फिर जो ये है उसको हम लोग को, अरे इजी टेक्निक के तरह, हाँ बस बस वैसे ही लगा देना है। देख सकते हैं हम लोग ने ये लगा दिया है, अब हम इसको ये वायरिंग करेंगे। गाइस जो इसमें ये हुक है, रुको एक मिनट, उसका हेड का पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं। गाइस इस चीज को हम लोग को कस के लगाना पड़ेगा वरना ये बार बार खुलते जाएगा। हाँ खुलते जाएगा, खुल भी सकता है, खुलते जाएगा। हाँ कोई बात, माइनस पे जाएगा यानी कि नेगेटिव, जो रेड है वो प्लस पे जाएगा पॉजिटिव। ओके गाइस, गाइस ये बन चुका है हम लोग का सोलर रोबोट। अभी ए बना नहीं है, एक और चीज लगाना बाकी है। ये देखो ऑटोबॉट में ये कलर प्लेट्स नहीं लगे हैं, बनाना तो बाकी है मेरे दोस्त। गलती से मुंह से निकल गया था। इसको बनाने के लिए हम लोग को E14 चाहिए दो गो। तो गाइस फिर E14 के बाद हमें C से ये जो कर्व प्लेट्स आप देख रहे हो ये चाहिए, यानी कि C1 ये उठा निकाल लिया। अभी उसका और भी पार्ट निकालते हैं। हाँ क्योंकि इतनी आसानी से बनने वाला नहीं है, थोड़ा सा मैकेनिज्म है ना, इसलिए ये अल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूचर का है ना, तो आपको भी ये सब सीखने के लिए थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, बट आप इसे चेंज भी कर सकते हो तो आपको पता ही है। और वैसे भी हम लेवल 2 का कर लेना गाइस, थोड़ा सा लेवल 2 में देखे हम लोग का ये सब मैक्सिमम खत्म ही हो, ये 1 है ये तो गया, ये भी गया देख सकते हैं। हाँ गाइस फिर हम लोग को ये दो को काटना है। हाँ दो को काटना है, दो काटना है, ये हो गया हम लोग ने इसको कर लिया। फिर गाइस ये इसको लगा, पहले इसको लगाने के पहले इसके लास्ट में जो है उधर ये एक आएगा, फिर जो हम लोग ने दूसरा कटा था ये वो इधर आएगा और दूसरी साइड में दूसरा C1 आएगा और फिर हमको उसे इधर फिट करना होगा। गाइस ये लग चुका है, फिर गाइस हमको इस साइड का करना। तो ये देखो ये ऑटोबोट बनने को ही है, बना और ये बन गया। यस फाइनली ये देखो गाइस, और आप लोग के लिए एक बैड न्यूज भी है, पर वो हमने देखिए एकदम स्मूथ चल रहा है। एक बार इसे गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। गाइस ये देखो इसको बनाने में जो मेहनत लगी है ना वो आप लोग सोच नहीं सकते। हाँ हाँ 5 घंटे लगे हैं, 5-6 घंटे। हाँ हाँ इतनी सी चीज को बनाने के लिए हमें 5 घंटे लगे। हाँ वैसे जो एक्सपर्ट हो गए वो तो कुछ मिनटों में बना देंगे, पर हम तो ट्राई कर रहे हैं, हमको एक्सप्लोर करना होता है। गाइस देखो ये कितने अच्छे से बना है, पर मुश्किल बहुत है। ये देखो गाइस आप लोग लेवल 2 का जब ट्राई कीजिए तब आप एक्सपर्ट हो जाएगा, लेवल 1 का ही अभी ट्राई कीजिए। हाँ लेवल 1 का आपका 3-4 घंटा में बन जाएगा और लेवल 2 का 6 घंटा 6-7 वैसे वगैरह वगैरह। हाँ और अगर आपको अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स को चैलेंज करना है तो आप लेवल 2 ट्राई कर सकते हो या तो आप लेवल 1 ही ट्राई कर सकते हो।
गाइस ये देखो ये बन ही चुका है, उस पर हम लोग को स्टिकर भी लगाना है जो इधर है स्टिकर। गाइस इनमें से हम लोग दो को निकालेंगे, देख सकते हैं ये देखिए एक को निकल गया।